भरतपुर में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने शहर की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए भरतपुर विकास समिति का गठन किया और इसी दौरान सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रैफिक पुलिस समेत पुलिस अधिकारियों पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने पुलिस को भ्रष्टाचार में लिप्त बताने के साथ ही नकारा तक करार दिया। उनका कहना है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल हो चुकी है और यहां तक कि सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की कि वे फील्ड में जाकर जनता की समस्याएं सुने और मौके पर उनका समाधान करने का प्रयास करें। उन्होंने एक सप्ताह में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर समिति की ओर से एक उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। समिति का मकसद यह है कि जन की आवाज उठाई जाए। समिति अगर आवाज चाहती, मेरे को चाहती है कि कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई जाए, तो मैं कांग्रेस के खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा। फिलहाल समिति ने ये डिसाइड नहीं किया, मेंबर से मित्र कहा पुलिस के खिलाफ, मुझे जो मेरे मेंबर से मेरी जनता ने कहा कि पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई जाए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।